नमस्कार किसान भाइयों, गणेशा डेयरी फार्म के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज आप लोगों को जानकारी दी जाएगी कि अपने बछड़ियों के सिंगों को दागना चाहिए या नहीं। सिंग जलाने की प्रोसेस कुछ इस प्रकार से होती है। सबसे पहले बछड़ी के सिंगों की जगह पर कैंची से बाल साफ किए जाते हैं और उसके बाद अच्छे से बाल साफ करने के बाद उस जगह पर केमिकल लगाया जाता है और वो केमिकल अच्छी जगह से मतलब अच्छे से लगाना पड़ता है, बिल्कुल जड़ से जहाँ से सिंगे निकलते हैं। यदि हमने उसे अच्छे से नहीं लगाया, बिल्कुल एक प्रोफेशन की तरह नहीं लगाया, तो बछड़ी का आधा सिंग निकल ही आएगा। इसलिए बिल्कुल डॉक्टर की सलाह से और बिल्कुल डॉक्टर के अंडर ये काम करना चाहिए। हमें सिंग कब चलवाने चाहिए बछड़ियों के? जब हमारी बछड़ियाँ पैदा हो उसके 8 दिन से महीने भर के अंदर अंदर हमें अपनी बछड़ियों के सिंग जलवा लेने चाहिए, क्योंकि इस समय उनके सिंग जो होते हैं वो बिल्कुल नरम होते हैं, आसानी से जल जाएंगे, उन्हें कोई तकलीफ नहीं होगी। और यदि एक बार सिंग बाहर निकल गए तो उसके बाद हम उसे नहीं जला सकते, फिर बहुत दिक्कतें आती हैं। और सिंग जलाने से बछड़ियों की हेल्थ, इनकी ग्रोथ पे काफ़ी असर होता है। यदि हम इनके सिंग नहीं जलाएंगे तो इनकी ग्रोथ धीरे धीरे होगी, और यदि वहीं हम एक बछड़ी के सिंग जलाते हैं तो उसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी होती है। ये प्रैक्टिकल पहले भी हमने हमारी बछड़ी के सिंग जलवाए थे, वो बछड़ी हम आपको दिखाते हैं वीडियो में। देखिए इसकी ग्रोथ काफ़ी अच्छी है, वरना सिंगों की वजह से बछड़ियों की ग्रोथ रुकती है, वो बढ़ती तो है पर बहुत धीरे धीरे। इसलिए अपने फार्म पे अगर बछड़ियाँ तैयार करनी हैं तो इनकी सिंगे ज़रूर से जलवाइए। कहीं पर लोग ऐसा कहते हैं कि सिंग से गाय मजबूत होती है, बीमार कम होती है, पर ऐसा कुछ भी नहीं। यदि हम उनके सिंग जलवा देंगे तो उनकी ग्रोथ और अच्छी होगी और गाय और अच्छी मजबूत होगी, और आगे चल के कोई दुर्घटना होने की संभावना भी नहीं होगी। यदि कोई पशुपालक भाई बछड़ियाँ बड़ी कर बेचने की इच्छा रखता है, तो यदि वो बछड़ियाँ बड़ी करता है और अपनी बछड़ियों के सिंग जलवाएगा बचपने में, और फिर आगे चल के जब वो बड़ी गाय बनेंगी तो वो दिखने में भी सुंदर होंगी, और जब वो उसे सेल करेगा तो उसकी कीमत भी उसे अच्छी मिलेगी। और यदि हम सिंगे नहीं जलवाएंगे तो फिर उसकी कीमत हमें इतनी अच्छी नहीं मिल पाएगी, और यदि अगर हम हमारे फार्म पर भी उसे रखना चाहें तो दुर्घटना होने की संभावना नहीं होगी। जैसे कि कभी कभी ऐसा होता है कि जानवरों के सिंगों से आपस में ही एक दूसरे को लग जाती है, या कभी हम गए हमें भी चोट लग सकती है। कभी किसी गाय के बड़े सिंग हो जाते हैं तो इससे काफ़ी दिक्कतें आती हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इस बछड़ी के सिंग जल चुके हैं, अब आगे चलकर इसकी ग्रोथ और काफ़ी अच्छी होगी, और जो इसका हेड है वो और काफ़ी सुंदर हो जाएगा, तो इस बछड़ी की कीमत भी काफ़ी अच्छी हो जाएगी। यदि हम आगे इसे सेल भी करना चाहें तो हमें अच्छी कीमत मिलेगी, और यदि हम इसे फार्म पे भी रखेंगे तो ये हमारे फार्म में 4 चांद लगा देगी। इसीलिए हमारी तरफ से तो आप लोगों को यही एडवाइस है कि यदि आप बछड़ियाँ अपने फार्म पर तैयार कर रहे हैं तो उनके सिंग ज़रूर से जलवाइए। और आगे हमें कमेंट में आप लोग ये ज़रूर से बताना कि ये बात सही है या गलत। तो और यदि किसी किसान भाई ने अपने फार्म पे बछड़ियों के सिंग जलवाए हैं तो वो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा कि उनका एक्सपीरियंस कैसा है इसके बारे में।
और गणेशा डेयरी फार्म चैनल देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।